वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से पहले मिल जाए। बॉलीवुड की एक और मशहूर जोड़ी शादी के बंधन में बंध गई। बॉलीवुड की अदाकारा दिलजीत कौर ने निखिल पटेल से शादी कर ली। जोड़े के अहले खाना समेत करीबी दोस्तों ने शादी में शिरकत की। अदाकारा ने शादी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि मिस्टर एंड मिसेस पटेल। दूल्हा ने सफ़ेद शेरवानी पहनी हुई जबकि अदाकारा ने सफ़ेद लहंगा पहना हुआ था और इस पर सुस्त दुपट्टा लिया था। और जोड़े निखिल पटेल और दिलजीत कौर को इनके दोस्तों ने शादी की मुबारकबाद भी दी। दिलजीत कौर और निखिल पटेल ने सरकारी तौर पर शादी कर ली। हफ्ते के रोज़ इनकी फैमिली और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में खूबसूरत शादी हुई। अब ये नौब्याहता जोड़ा अपने वदाओं को पहली तस्वीरों में अपने शौहर और बीवी जैसे सलूक करते हुए दिखा रहा है। और मिस्टर और मिसेस पटेल इन्होंने पोस्ट का कैप्शन में लिखा, अदाकारा अंजलि लेलरिया के डिज़ाइन करदा सफ़ेद ब्राइडल लहंगा में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इन्होंने सुस्त दुपट्टा और मैचिंग ज्वेलरी के साथ अपना रूप मुकम्मल किया है। और निखिल ने इन्हें एक सफ़ेद शेरवानी और शेड में एक सफ़ा पहनाया। और कुछ तस्वीर में जोड़े को शादी के रसूमात अदा करते हुए दिखाया गया है। और ऐसी तस्वीर भी हैं जिसमें नौब्याहता जोड़े को पिछली शादियों के लिए अपने बच्चों के साथ पोज देते हुए दिखाया गया है। दिलजीत का बेटा जेडन इनके साबिक और शालन भनोट के साथ 2014 में पैदा हुआ। निक पटेल और अदाकारा शादी के बाद कीनिया और दारुलहुकूमत नैरोबी मुंतकिल हो जाएंगे। शादी की पहली तस्वीर इन्होंने यहाँ पे अपने वदाओं से शेयर की है। दुल्हन दिलजीत कौर ने एक अलग इंस्टाग्राम पोस्ट में भी अपनी तस्वीरें शेयर की हैं और इन्होंने अपने शादी के लहंगे में तन्हा तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि एक और नया बाब शुरू होता है। दिलजीत कौर और निक पटेल की शादी में शिरकत करने वाली अदाकारा करिश्मा तन्हा ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जोड़े की एक तस्वीर शेयर की है कि अभी शादी हुई है। दिलजीत कौर ने अपने वदाओं को अपनी शादी की तकरीबात के बारे में सोशल मीडिया पर अपडेट किया। अपने संगीत और मेहंदी की तकरीबात की तस्वीर शेयर करते हुए इन्होंने लिखा है कि आज मेरा दिल भर गया है इतनी मोहब्बत और खुशी के साथ। संगीत और मेहंदी ठीक की गई। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद दोनों कीनिया के दारुलहुकूमत नैरोबी मुंतकिल हो जाएंगे।